हेलो फ्रेंड्स, तो जो भी वृषभ मतलब कि टॉरस राशि के हैं उनकी रीडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। आपके पार्टनर क्या आपके लिए एक्शन लेंगे, क्या आपका रियूनियन होने के चांसेस है, हम वो देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। गाइड करें यूनिवर्स, हमें बताए वृषभ मतलब टॉरस राशि वालों के लिए नेक्स्ट मंथ में क्या कुछ इनकी लव लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, हमें ट्रू मैसेजेस दें। एकदम पॉजिटिव होके देखेगा इस, ठीक है। तो रीडिंग पॉजिटिव निकल के आती है। वाओ, वेरी नाइस। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर मैरिड नज़र आ रहे हैं गाइस, राइट। पार्टनर मैरिड है आपके, ठीक है। और इनका ऐसा है कि इनको वो भी चाहिए और आप भी चाहिए, ठीक है। ये दोनों के ऊपर जीत हासिल करना चाहते हैं, दोनों के अपने अपने अंडर रखना चाहते हैं। और इनका यही डिसीजन जो है शायद आपको अच्छा नहीं लगता है। आपका इस तरह से है कि अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मुझे दिल से स्वीकार कर, मुझसे शादी कर, ठीक है। इस तरह से तू मतलब मुझे बाहर वाली बना के मत रख, मैं तेरी घर वाली बनना चाहती हूँ, अगर आप लड़की हो तो, ठीक है। अगर लड़के भी हो तो आप अपने जेंडर मैच कर लो, जैसे मैं बोल रही हूँ उसका ऑपोजिट आप कर लो, मतलब सिर्फ जेंडर, ओके। रीडिंग तो सेम रहेगी। और यहाँ पे है बॉटम में द फूल। तो यस, आपके जो भी पार्टनर है नेक्स्ट मंथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हुए दिखाई दे रहे, ठीक है। इनको इस तरह से होगा कि बहुत ज़्यादा लोग इनको आपके पास आने से रोकने की कोशिश करेंगे, मत जा, रुक, तू अपने लाइफ के ऊपर फोकस कर, तेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा तुझे आगे जाना है, सक्सेसफुल बनना है। जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है, अभी भी इनके पास सब कुछ है प्रैक्टिकली जीने के लिए, ठीक है। एक ऐसे पर्सन है ना जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और अपने आप में डिसीजंस लेने में और कोई भी फैसला अच्छे से करने में और राइट डिसीजन लेने में, यह हमेशा मतलब 100% हमेशा इनका डिसीजन ही राइट ही आता है। और इसका कि इनको अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा गुरूर है, घमंड है, हम इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से होगा कि ये आपको आएंगे अपने प्यार का कप ऑफर करने के लिए, आपके इमोशनल अपने इमोशंस आपके सामने रखने के लिए, ठीक है। लेकिन आपका इस तरह से होगा कि आप उनको इस तरह से आप उनको बोलोगे कि नहीं यार, तू जिस तरह से बोल रहा है वैसे तो मैं इस रिलेशनशिप को स्टार्ट नहीं करूँगी, ठीक है। ये आपको ऐसा आके बोलेंगे कि तू मेरे साथ मतलब जो भी मेरी थर्ड पार्टी है ना उसके साथ तू मैनेज कर और इस रिश्ते को स्टार्ट कर, क्योंकि तुझे पता है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ और वो जो भी थर्ड पार्टी है वो बस मेरी जिम्मेदारी है और वो मुझे निभानी ही पड़ेगी, उसको मैं छोड़ नहीं सकता, लेकिन समाज के सामने मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। इनका इस तरह से है, ठीक है। इसीलिए इनको दोनों चाहिए, वो भी चाहिए और आप भी चाहिए। वो इसीलिए चाहिए क्योंकि समाज में उनका नाम बना रहे, और आप इसीलिए चाहिए क्योंकि इनका सेटिस्फैक्शन जो है फिजिकल मेंटल जो भी है जीने की उम्मीद वो सब कुछ आप हो, तो इसको आप इनको आप जो हो जीने के लिए चाहिए और समाज में प्रतिष्ठा बनी रहने के लिए उनको उनका जो भी थर्ड पार्टी है वो चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मुझे जो दिखता है मैं वही बोलती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, ठीक है। और इस तरह से ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप उनको नहीं बोलते हो कि नहीं मैं तो तुम्हें इस तरह से मैनेज नहीं कर सकती, तू जा तेरी लाइफ में जिससे प्यार करता है, जिसके साथ रहना चाहता है, समाज में जिसको लेके घूमना चाहता है उसी के साथ तू मैनेज कर, ठीक है। या आप दिल से नहीं बोलोगे, आपकी इच्छा नहीं होगी, लेकिन आप ऐसा बोलोगे, बाद में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील होने लगेगा, बुरा महसूस होने लगेगा, लेकिन आप ऐसे ही बोलते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप दिल से नहीं बोलोगे लेकिन ऐसे ही बोलोगे, वो भी दिल से आपको मतलब चाहेंगे नहीं, लेकिन आपके इस आंसर को सुनकर उनको जाना पड़ेगा। इस तरह से मुझे अगले महीने में आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। या फिर टावर का कार्ड क्यों है, यस डेफिनेटली इस आपका मतलब ये है कि आप इनसे प्यार सच्चा करते हो, ठीक है। लेकिन आपको बार बार यही फील होता है कि इसने मेरे लाइफ में टावर मोमेंट लाया, जो कि आप वेट करते हो दिन भर रात भर सालों से महीनों से जो इंतज़ार करते हो, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इस बात को लेकर कि आपके पार्टनर को आपके इन इंतज़ार का ये जो पल आप उनको भी इतना मिस करते हो, इसकी कुछ पड़ी नहीं है, वो इतने प्रैक्टिकल है कि इमोशंस के लिए इनके अंदर जगह ही नहीं है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप डेफिनेटली इस रिश्ते का रियूनियन चाहते हो और आपके पार्टनर आपको ऑफर करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप उनको रिजेक्ट करोगे क्योंकि आप उनके मन के जैसा चलना नहीं चाहोगे, ठीक है। वो आएंगे डेफिनेटली, आपको ऑफर भी करेंगे, बहुत सारे लोगों को आपके पार्टनर का मैसेज जो है मैसेज कॉल या फिर सामने से आके भी आपको कुछ बता सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो भी है हमारे वृषभ टॉरस वर्ग टॉरस राशि के लोग, उनको आपके पार्टनर का मैसेज रिसीव होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। रियूनियन के चांसेस है, लेकिन आप
शायद आप उनको मना करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और आपका जो यही मैंने बोला कि उनकी जो भी कंडीशन है वो आप मानना नहीं चाहोगे और आप उनको मना कर दोगे, जो कि वो दिल से आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, रिश्ते की बिगिनिंग करना चाहते हैं, ब्राइट फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ देखते हैं, ठीक है, थीके? लेकिन आप नहीं मानते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। तो यस, देखिए अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं, जो कि मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे टॉरस राशि वालों का रीयूनियन मुझे नेक्स्ट मंथ में होते हुए दिखाई दे रहा है, तो आपको डिसीजन सोच समझ के लेना है कि क्या करूँ। मतलब इनके जैसा अगर आप सोच समझ के, ये जिस तरह से प्रैक्टिकली सोचते हैं, अगर आप जरा अपनी इमोशनल साइड को साइड में रख के अगर आप प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करोगे ना इनके जैसा, तो आपको सही आंसर मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो यस, जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लीजिए। तो ये थी टॉरस मतलब कि वृषभ राशि वालों की रीडिंग, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।